मैच नंबर 39 केकेआर वर्सेस जीटी। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2023 का 39th मुकाबला जो कि कोलकाता और गुजरात के बीच में ईडन गार्डन में खेला जाएगा। गाइस इस सीजन में पिछली बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब केकेआर ने गुजरात को उसी के घर में 3 विकेटों से हराया था। गाइस क्या जीटी इसका बदला ले पाएगी? इससे पहले गाइस हम आपको बताना चाहेंगे जो लोग स्मॉल लीग्स खेलते हैं, ग्रैंड लीग खेलते हैं, ड्रीम इलेवन खेलते हैं, फैंटेसी लीग्स खेलते हैं, गाइस उनके लिए फाइनल टीम टेलीग्राम में आएगी। आप जाके देखिए टेलीग्राम में गाइस हमारी बताई हुई टीम से लोगों ने लाखों रुपए कमा रहे हैं। गाइस साथ में जो लोग मैच खेलते हैं, टॉस खेलते हैं, सेशन खेलते हैं उन्हें भी विनर साथ में टॉस और सेशन रिपोर्ट भी हमारे चैनल पे मिलेगी। तो गाइस जाइए और एमकिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ में जो लोग डिटेल एनालिसिस चाहते हैं हर एक मैच का, गाइस डिटेल एनालिसिस हर एक आईपीएल का मैच हो चाहे वर्ल्ड क्रिकेट का कोई भी मैच जो कि अभी चल रहा है, mkingsports.com पे जाइए, हमारे ब्लॉग्स को पढ़िए। साथ में अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको वहां बायोग्राफीज भी मिलेगी क्रिकेटर की जो कि गाइस नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचे। साथ में गाइस डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। अब हम आपको फुल डिटेल एनालिसिस बताएंगे इस मैच का। गाइस बात चलिए शुरू करते हैं। केकेआर पिछला मैच आरसीबी के खिलाफ जीत रही है और जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। साथ में वरुण चक्रवर्ती थे, उन्होंने भी सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। दूसरी तरफ गुजरात टाइटन भी एमआई के खिलाफ 55 रन से जीत कर आ रही है। गाइस शुभम गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। साथ में आप ड्रीम इलेवन के लिए हार्दिक पांड्या पर दाव खेल सकते हैं, उपकप्तान के तौर पर जेसन रॉय और राशिद खान को भी चुन सकते हैं। साथ में गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा पिच रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैच या सेशन खेलते हैं तो। पिच बैट्समैन और बॉलर को इक्वली सपोर्ट करता है, ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और यहां का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 195 है। गाइस पिच पेसर्स और स्पिनर्स को इक्वली सपोर्ट करता है। टॉस की बात करें तो टॉस जीतने की टीम को पहले बल्लेबाजी करनी है। गाइस हेड टू हेड की बात करें लास्ट 5 सालों में T20 में टोटल 2 मैच खेले गए। गाइस यहां पे दोनों टीमों ने एक एक मैच जीते हैं। विनिंग रिकॉर्ड की बात करें ये बैटिंग पिच है, एवरेज रन 180 प्लस है, टोटल विकेट 67 है, 36 पेसर्स के द्वारा लिए गए, 31 स्पिनर्स के द्वारा। केकेआर के लिए अगर हम बात करें गाइस और आप स्पिन बॉलर की बात करते हैं तो सुयान शर्मा उनके की प्लेयर साबित होंगे गाइस, तो उन्हें टीम में जरूर रखिएगा। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण को भी आपको टीम में रखना है या दोनों में से एक को रख सकते हैं और जेसन रॉय तो टीम में कंफर्म होने चाहिए क्योंकि आते ही उन्होंने 2 अर्धशतक जड़े गए, रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और छा गए केकेआर में। ठीक है गाइस मैं और अगर हम जीटी की बात करते हैं तो गाइस हार्दिक पांड्या जीटी के लिए एक प्रमुख गेंदबाज है। मैं आपको गेंदबाज के तौर पे भी और बल्लेबाज के तौर पे भी तो गाइस आप एज एन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। नूर अहमद ने पिछले मैच में आपको बताया ना गाइस फिरकी घुमाई थी, अच्छे विकेट्स लिए थे, नूर अहमद को जरूर रखिएगा। मोहम्मद शमी भी विकेट ले सकते हैं वो। साथ में गाइस सुप्रीम गिल एकमात्र बल्लेबाज जो उनकी टीम में अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिलर को भी आपको टीम में रखना है क्योंकि जो बैटिंग ग्राउंड होता है उधर मिलर जरूर चल। साथ में विनिंग प्रेडिक्शन गाइस जो हमारी तरफ से अभी की हाल फिलहाल है गाइस वो है जीटी, बाकी फाइनल विनर गाइस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। तो गाइस हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, डिटेल एनालिसिस के लिए mkingsports.com पे चाहिए और डेली अपडेट्स के लिए गाइस ये इंस्टाग्राम चैनल पे। थैंक यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू।